नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पत्रकार साथी कृष्ण कुमार। ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। जिला पंचायत की चुनावी चर्चा में हम पहुंच चुके हैं क्षेत्र क्रमांक 7 में। यहां भी हम आपके 5 सवाल पूछेंगे, जनता के 5 सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं प्रत्याशी से, हम वही 5 सवाल पूछेंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रितु सोम जी, जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं क्षेत्र क्रमांक 7 से। उनसे भी हम आपके वही 5 सवाल पूछेंगे। रितु जी, आप ये जो चुनाव लड़ रही हैं, आप तो पत्रकार हैं, फिर कैसे आप राजनीति में आ गई? जी, पत्रकारिता के साथ साथ मैं एक समाज सेविका भी थी। इसमें कई काम अड़चने आ जाती थी जी। जैसे ऑफिस काम हो गया, कुछ और काम हो गया, उसको खुल के नहीं कर सकते, उसको खुल के राय पत्रकारिता में नहीं कर सकते थे। जैसे एक बार राजनीति में आ गए तो हम उसको खुल के कर सकते हैं। जैसे कोई भी अधिकारी के पास जाएंगे कोई फाइल लेके, तो हम बोल सकते हैं अधिकारी को, और पत्रकारिता में ऐसे खुल के नहीं बोल सकते थे। अब ज़्यादा खुल के काम कर पाए हम, इस जैसे हम राजनीति में एक बार आ जाएंगे तो हम खुल के काम करेंगे। राजनीति बड़ी टेढ़ी मेढ़ी मानी जाती है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, बल्कि पत्रकारिता बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। फिर ये टेढ़े मेढ़े गणित को कैसे समझेंगे आप राजनीति के? ऐसी बात नहीं है, राजनीति भी सीधी है। ऐसी बात नहीं है, राजनीति भी एक सीधी है। और हमें कोई बड़े स्तर में राजनीति नहीं करना है, हमें गांव में ही राजनीति करना है। हमें गांव के समस्याओं के लेकर राजनीति करना है। ऐसी कई सी समस्याएं हैं जो आज भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। क्या आपका चुनाव चिन्ह है, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार मैदान में हैं? जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 है, और मेरा चुनाव चिन्ह है गाड़ी छाप मिला है, जो मैं भाग्यशाली हूँ, जो एक किसान का छाप मिला है। किसानों का आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ, और गाड़ी के साथ मैं क्षेत्र के लोगों को विकास करना चाहती हूँ। यदि जनता आपको इस बार चुनती है, जिला पंचायत बनाती हैं सदस्य, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे? मेरी प्राथमिकता है कि ऐसी तो कई समस्या है, लेकिन मेरा सड़क, बिजली और पुल जैसे, और खाद्य निर्माण का अंदर अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे कई गांव हैं जहां पे राशन लेने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और वहां टूटी फूटी सड़क रहती है, लोगों को दिक्कत रहती है। तो मैं चाहती हूं कि प्राथमिकता तो मेरे ये है कि पहले जहां अंदर अंदर गांव हैं वहां राशन दुकानें खोली जाए, एक गांव दो गांव के लिए। और आज भी बड़े गोबरा छोटे गोबरा में सड़क नहीं है और बिजली भी नहीं है। कुल्हाड़ी घाट रोड भी पूरा मरम्मत नहीं हुई है, पुल पुलिया टूटा हुआ है, जिसे बरसात के दिनों में कई गांवों से संपर्क टूट जाता है। जैसे कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको मुख्य मार्ग तक जोड़ने के लिए उन लोगों को बहुत बाधा पहुंचती है। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर के? जनता से मेरा यही अपील है कि मेरी गाड़ी चुनाव चिन्ह मिला है, जिसे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए, और मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं 24 घंटा जिला मुख्यालय में उपस्थित रहती हूं। और मेरा मोबाइल नंबर है 7000386795। कहीं भी अगर कोई भी समस्या होती है तो मैं उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूं। ये हैं रितु सोम जी, जो क्षेत्र क्रमांक 7 से चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी बेबाकी से उन्होंने 5 सवालों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो जनता की सेवा के लिए हमेशा रहेंगी, चुनाव जीतें या हारें, लेकिन जनता के साथ जुड़ कर के काम करेंगी। आप उनके बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। नमस्कार।